जो कुछ होता है 24 घंटे में वो मैं आप लोगों को बताने आता हूं। मेरी एक आप लोगों से बहुत दिल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है बेसिकली। देखिए, जब ये सोशल मीडिया शुरू हुआ था ना, तब बहुत सारे इसके अंदर मुस्लिम थे जो हमसे जुड़े थे फ्रॉम गल्फ से। मेरी गुजारिश है जितने भी 80% आज की तारीख में गल्फ में जो जितने भी मुसलमान है जो सोशल मीडिया पे है, आप लोग अगर अपनी कौम का भला चाहते हैं ना, आप लोग सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। 80% मुसलमान जो गल्फ में बैठे, आप लोगों को पता नहीं है कि आपकी पकेटी करने की वजह से जो हिंदुस्तान में मुसलमान बैठा है उसको कितनी तकलीफ हो रही है। आप लोग दिन भर वहां काम करते हैं, फिर एक बिस्तर के इधर, एक बिस्तर के नीचे और एक बिस्तर के यूं लेट के और बकैती करना शुरू कर देते हैं। इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्योंकि आपका तो कुछ जाने वाला है नहीं, आपने तो वहां पे गल्फ में रहना है। और दूसरा मैं एक चीज और बताता हूँ, आप लोगों को बुरा मत मानिएगा, ये बहुत ही कटु सत्य है। देखिए, जब यहाँ पे बैठा हुआ मुसलमान कोई बोलता है ना, अमेरिका में बैठा हुआ इंडियन मुस्लिम कोई बोलता है तो उसकी आवाज गूंजती है। आप लोगों का शोर होता है, आवाज नहीं गूंज रही, आप लोगों का शोर हो रहा है और आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की। आप मुझे जितनी गालियां बकी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं इस्लाम को, उसमें जबान पे अगर अल्लाह का नाम होता है उस जबान पे मां बेट की गालियां नहीं हो सकती। तो जितने भी फ्रॉड मुसलमान है ना, इनको मैं पहचान लेता हूं बहुत आसान से, क्योंकि ये कहते हैं पांच वाली नमाजी है, नमाज पढ़ते हैं, ये सब करते हैं, मगर मैं जहां तक कुरान को समझता हूं और मेरे जितने यहां पे मुसलमान दोस्त हैं, है ना, वो मुझे एक ही सीख देते हैं कि अगर जो नमाजी होता है उस जबान से कभी भी मां बेट की गाली नहीं बक सकता है जो वो अल्लाह का नाम लेता है। तो आप लोग एक फ्रॉड मुसलमान हो जो ये सब काम करते हैं। तो 80% मुसलमान जो आज की तारीख में गल्फ में बैठे हैं, जो आज बैठ के बकैती कर रहे हैं बिस्तर के, एक इधर बैठ के, एक इधर लेट के और इधर लेट के, वो आप लोग बंक बेड्स में सोते हो, वो बंद कर दीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुनाई उन्हीं की आवाज सुनाई देती है जो लोग जिंदगी में कुछ हासिल कर लेते हैं, उन लोगों की आवाज शोर होती है जो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करते। ऐसे जैसे वो है ना राणा शर्मा और वो लोग, कुछ नहीं है, वो सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, कोई आवाज नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। उनको सुनने वाले भी कैसे हैं, उसी कैटेगरी के लोग हैं। ऐसे ही आपके हैं कुछ जो कि आप लोगों को इसके अंदर मिसगाइड करते हैं। अभी मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं काले को काला बोलता हूँ और सफेद को सफेद बोलता हूँ, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि देखो अभी भाई आपने कहा था ना मुसलमान पीठ पे छुरा फूंक देंगे। मैं नहीं नहीं नहीं, ये मुसलमान नहीं है, ये फ्रॉड मुसलमान है। मैं जिन मुसलमानों को जानता हूँ ना, वो पक्के ईमान के पक्के हैं, और आज से नहीं जानता, 40 साल से जानता हूँ, 40 साल, जब मैं 11 साल का था, 40 साल से। मैंने कहा ये तो कल के लौंडे हैं, 20-25 साल के गल्फ में काम करते हैं, 30 साल के, कोई 2000 रियाल में, कोई 5000 रियाल में, इससे अलग कोई सामान नहीं है इनके पास। तो इनकी बातों का बुरा मत मानना, कुछ मुसलमानों की वजह से सारे मुसलमान गलत नहीं हो सकते, ऐसे ही कुछ हिंदुओं की वजह से सारे हिंदू गलत नहीं हो सकते, मगर काले को काला और सफेद को सफेद बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने अभी कहा, अमरीका में हो रहा है, इसके अंदर लंदन में हो रहा है, जो तबरेज अंसारी की जो भी हुई थी लिंचिंग, उसके ऊपर यहाँ का समाज सारा उठा, उसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब उठे, और तबरेज अंसारी के ह्यूस्टन में हुआ, डैलस में हुआ, लंदन में हुआ, पर मैंने अभी तक ये नहीं देखा। जब मैंने वो पोस्ट डाला तो लोग, कई एक आदमी बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं कि हिंदू भी लिंच होते हैं। अब इसको बोलते हैं कम्फर्ट न्यूज, जो आपको कंफर्टेबल करे वो आपको अच्छी लगती है, जो आपको हल्का सा डिसकंफर्ट कर दे वो आपको अच्छी नहीं लगती। तो एक कंफर्ट न्यूज का पैटर्न होता है, ये फेक न्यूज नहीं होती। जैसे एनडीटीवी वालों की न्यूज कई लोगों को बड़ी कंफर्ट न्यूज नजर आती है, कुछ लोगों को रवीश की आती है, कुछ लोगों को सुधीर की आती है। तो एक कंफर्ट न्यूज का धंधा है, इसमें सच झूठ कुछ भी नहीं है, ये कंफर्ट न्यूज होती है। अभी आप इधर ही देख लीजिएगा, कई लोग गाली बकेंगे इसके अंदर मुसलमान, कई बकेंगे, वो मुसलमान नहीं है, हम आपको गारंटी करते हैं। वो हिंदू भी नहीं होते जो माँ बहन की गाली बकते हैं, और वो मुसलमान भी नहीं होते जो माँ बहन की, कैसे हो सकता है श्री राम का नाम ले उसी जबान से और उसी जबान से किसी को गालियां बके, कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन अब मेरे को भी ऐसा थे ना, गालियां नहीं आती, सब आती है गालियां, पर जो जबान पर लगाम रखते हैं ना वही होती है, वही आपकी आगे आगे जाके दिखाई जाती है शख्सियत। अब जितने भी मुसलमान है आज की तारीख में, मैं कल आपको बताता हूँ कल क्या होने वाला है। डैलस के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा एक जलसा होने वाला है, मुशायरा, बहुत बड़ा। उस मुशायरे में एक हिंदू को मुख्य अतिथि बनाया है, एक हिंदू को, है ना। तो
क्यों मना है? क्योंकि अपनी मोहब्बत प्योर है. हम गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं. दैट्स इट. और कुछ करने की जरूरत नहीं है. जिंदगी बड़ी सिंप्लीफाइड है. अगर आप गलत को गलत बोलो और सही को सही बोलो, ढको मत. अभी आज की तारीख में क्या हुआ, जब मैंने अपने भाइयों को खुरेजना चालू करा थोड़ा, तो हलबड़ी मच गई कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये क्यों भाई. जब मैं हिंदू कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलता हूँ तब तो आप लोग अभी भाई करते हो. अब मैंने जब आपकी गंदगी आपको दिखाना शुरू करी तो आप लोग बोलते हो नहीं, आपको तो कुछ पता नहीं, और गाली गलौज भी करते हो. वो गालियां तो मेरी जबान पर नहीं आ सकती. आप लोगों के आती है भैया, आप लोग कौन सा इस्लाम आपने कबूल कर रखा है, कौन सा इस्लाम आप लोग फॉलो करते हो, आई रियली डोंट नो. तो ये आप लोगों के आती है, मेरी नहीं आ सकती. आप मुझे कितनी मेरी माँ को गाली बको, कितनी मेरी बहन को गाली बको, वो आपके स्तर से बहुत ऊपर है. तो आपकी गालियां लगती भी नहीं, वो हवा में भी नहीं आ सकती हमारे आसपास. हमारा मेन मुद्दा है कि अपनी अपनी गलतियां, अपना अपना जो कीचड़ है वो साफ करने का मादा रखो. अगर आप अपना कीचड़ साफ नहीं करेंगे ना, वो आप ही का कीचड़ उठा के आपके मुंह पे मारे चले जा रहे हैं. हमारे आपको अपना कीचड़ दिखता नहीं. अब हमने थोड़ा सा आपको शीशे के सामने खड़ा कर दिया, आपको एक भयानक चेहरा दिखा दिया, आप घबरा गए. घबराने की जरूरत नहीं है, यही होता रहा है. चचा जब थे प्राइम मिनिस्टर, चचा नेहरू से लेके आज के प्रधानमंत्री तक यही होता रहा है. जब जब किसी ने आपको चेहरा दिखाया है तब तक आपने घबराहट ली है. और ये सच बात है. मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं यहाँ पे, इंडिया के नहीं, कई हैं, पाकिस्तान के, अल्जीरिया के, सीरिया के, इराक के, कई हैं. जब मैं उनको ये सब चीजें बताता हूँ, कल ही मेरी बातचीत हो रही थी, परसों मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने कहा हमारे प्रॉब्लम है, हमारे प्रॉब्लम है अभी भाई. तो मैंने कहा प्रॉब्लम से कैसे निजात मिलेगी? निजात इससे मिलेगी सच ठोकते जाओ. अगर झूठ ठोकते चले जाते हैं, आप सच ठोकते चले जाओ, कभी ना कभी तो मान जाएंगे. और मैंने पिछले वीडियो में क्या किया, हिंदुस्तान का मुसलमान तो मेरा भाई है. अब मैं अपने भाई को देख रहा हूँ कि वो दलदल में जा रहा है, तो मैं कैसे जाने दूं? मेरे धर्म के खिलाफ है. अगर मेरा भाई दलदल में जा रहा है तो मुझे उसका हाथ पकड़ के खींचना है बाहर. ये मेरा धर्म सिखाता है, जो मैं धर्म फॉलो करता हूँ, इंसानियत का धर्म. ठीक है ना, मैं अपने धर्म में कोई सक्षम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित वंडित नहीं हूँ भाई. जैसे आप लोगों में तो हर कोई मौलाना बन जाता है, हर कोई इस्लाम की प्रीचिंग देखने लग जाता है. मैं नहीं दे सकता, मुझे सिर्फ इंसानियत की प्रीचिंग आती है. लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो. जिसको जो खाना है खाने दो, जिसको जिससे मोहब्बत करनी है करने दो, जिसको जो पहनना है पहनने दो, जिसको जैसे जीना है जीने दो. किसी का हक नहीं है कुछ बोलने का, सब अपनी तकदीर लिखा के आए हैं. इसमें कोई इस्लाम और हिंदुइज्म का कोई लेना देना नहीं है. इस सारा का सारा खिचड़ी बनाती है, और इस खिचड़ी बनाने का श्रेय आज की तारीख में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा है. इसीलिए मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के बुरा मत मानना. जितने भी 80% जितने भी लोग बैठे हैं गल्फ के अंदर मुसलमान, 80% मुसलमान उसमें जो रात में बैठ के बकेटी करते हैं, वो अपनी बकेटी बंद कर दें. नहीं तो मेरे देश के मुसलमानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपकी बकेटी से. आपने कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं कर सकते. आपकी हैसियत नहीं है, आप जानते हैं, आप जानते हैं आपकी हैसियत नहीं है. आप 50,000 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी करते हैं, आपकी हैसियत नहीं है. तो आप क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? वो आपकी टाइम पास की वजह से वहां कोई तबरेज अंसारी लिंच हो जाता है. अब मैंने लिंच के लिए बोला, जैसे फिर बोल रहा हूं. मजे की बात तो ये है, जब मैं पूरा अगर क्यूमुलेटिव वे में देखता हूं तो बड़े बड़े जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए, पहलू खान के लिए हुए, अखलाक के लिए हुए, अंसाब तो नाम भी याद नहीं रहते, तबरेज के लिए हुए. मैं ये चाहता हूं कि जब हिंदू का लिंच होता है तो सारे मुसलमान प्रोटेस्ट करें, और जब कोई मुसलमान का लिंच होता है तो सारे हिंदू प्रोटेस्ट करें. तो ये जो लिंचिंग का है ये बंद हो जाएगा. इसी तरह बलात्कार भी बंद हो जाएगा जब हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं. कोई मुसलमान अगर कोई लिंच होता है तो मैं एज ए हिंदू पहले खड़े हूं उस अगेंस्ट, और इसी तरह वो मुसलमान खड़े हो, तब बात के मजे है. नहीं तो ये गंदी सियासत को आप कभी नहीं हरा पाएंगे, कभी नहीं. और मैं ये एक और गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी में लोग हैं, ये जो आपके 20-25 साल के लौंडे हैं ना, इनको संभालो और इनके कान के नीचे दो, क्योंकि इनके रब्बू के तो बस में आते नहीं है अभी. इनके कान के नीचे दो, क्योंकि मैं वही चीज वहां बोलता था वो वाले वीडियोज में दीपक और उपदेश के, कि हिंदुओं के कान के नीचे दो, इनको अक्कल नहीं है. फ्री की चीज मिल जाती है ना तो उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे फ्री की किसी की गाड़ी दे दो आप, आपने देखा होगा जब किसी की गाड़ी ले लो आप, अपने चचा की, किसी की भी गाड़ी ले लो तो आप उसको लपकाते हो गाड़ी को, अरे चचा की चलाओ यार क्या जाता है. अपनी गाड़ी जैसे ही बैठते हैं धीरे धीरे चलाते हैं, गड्ढे बचा बचा के चलाते हैं, समझे ना आप. इसी तरह ये कहानी भी ऐसी चलती है. अब कोई कुछ भी बोले यहाँ पे,
ठीक है ना। अब इसके अंदर ये अपने बलवंत सिंह आ गए, अब इनके ये लोग बीमार हैं, नासूर हैं, अपने समाज के हैं, हमारे समाज के नासूर हैं। ये बलवंत सिंह हमारे समाज के नासूर है, हम इनको साफ कर देंगे, हम आपको प्रॉमिस करते हैं हम इन लोगों को साफ कर देंगे, और हम कर रहे हैं धीरे धीरे। हमें किसी से डर नहीं है, हमें सिर्फ अपने भगवान से डर है, किसी से डर नहीं है, कोई भी नहीं। समझे? तो एक ही गुजारिश है, जितने मुसलमान भाई हैं, बुरा मत मानना, आप जो भी गल्फ में बैठे हैं अपने काम में ध्यान दीजिए, आने वाले आपका जो वक्त है उस पर ध्यान दीजिए। आपको पता है कि आपकी हैसियत क्या है, इंसान को अपनी हैसियत का बहुत जल्दी पता लग जाता है। कोई अमेरिका का मुसलमान बोलता है तो आवाज जाती है, आप लोग शोर कर रहे हो, कोई आवाज नहीं जा रही। एक कमरे में बैठ के एक बेड पे इधर तीन बेड पे तीन सोते हो, और फिर आप लोग बकैती करते हुए बैठ के ज्ञान बांटते हो, मत बांटिए। जब आप कॉलेज की क्लास चलती है ना, तो छोटे बच्चे उस क्लास में नहीं घुसते, पहली दूसरी कक्षा के बच्चे कॉलेज क्लास में नहीं घुसते, उसको पास करनी पड़ती है, उसके बाद आप कॉलेज क्लास में घुसते हो। चिट्ठी गालियां मकनी है बको, जो करना है करो, अपने अंदर का जहर निकालो, मेरे ऊपर ही निकालो, देश हित में सबसे बड़ा काम होगा। सब बोला जाएगा कि अवि भाई आपने जहर पी लिया इन लोगों का, मैं जहर पीने के लिए तैयार हूँ, आप लोगों का जहर निकाल लो हिंदू मुसलमान का, क्योंकि हिंदू भी रोता है मुसलमान भी रोता है, हिंदू भी वैसा पैदा हुआ मुसलमान भी पैदा हुआ, हिंदू की भी माँ है मुसलमान की भी माँ है, कोई फर्क नहीं है, ये आप लोगों ने फर्क पैदा कर रखा है, समझा? और ये फर्क आप लोग इसको बड़ा कर रहे हैं अपनी पकैती करके, वो इंटरनेट को लेके बस पकैती करने का, इधर उधर ज्ञान बांटने का नहीं करने का। मुसलमान के बगैर हिंदू का काम नहीं चल सकता, और हिंदू का काम मुसलमान के बगैर नहीं चल सकता, बात खलास है। समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो भैया वो जानते हो वो लोग मेजोरिटी में, और हम लोगों को उनके सामने आपकी वजह से हार जाएंगे, हम जैसे हार जाएंगे सेक्युलर लोग आप लोगों की वजह से। फिर ये मत बोलना कि इंडिया सेक्युलर नहीं है, कैसे होगा? आप लोग अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं है, दोनों तरफ की गलती है ना, तो आप अपनी गलती मान लो, अपना कीचड़ साफ कर लो। और दूसरी गुजारिश ये है कि पूरी फिल्म देख लिया करो यार, पहले मत बीच में दो मिनट बाद ही कमेंट करना शुरू कर देते हो। स्कूल गए ना सबके सब, अपन टीचर क्या बोलती है स्कूल, अंदर जाती क्लास में फिंगर ऑन योर लिप्स, सब बच्चे चुप हो जाते हैं, टीचर से पढ़ाती है, उसके बाद आपसे पूछती है कुछ समझ में आया नहीं आया, और आप लोग पहले ही शुरू हो जाते हो। स्कूल गए, सब गए, वो भी भूल गए, पहले सुन लो, आपका भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, 22 करोड़ जनता हो, अकेले नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी तरक्की के पीछे हिंदुस्तान की तरक्की लिखी है। कैसे हो सकता है कि 22 करोड़ जनता की तरक्की नहीं हुई, हिंदुस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता, सबका साथ सबका विकास होने का इम्पॉसिबल है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ आप लोग, मगर इसमें एक दूसरे का साथ चाहिए, गलत को गलत बोलना सीखे। और आपसे गुजारिश है जितने भी मुसलमान भाई है आज, अगर कोई हिंदू लिंच होता है, जो हुए हैं, ठीक है, बंगाल में हुए, सब जगह हुए, प्रोटेस्ट करिए, अपने नासूरों के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, तभी काम चलेगा। ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना और ये सब करना जो गवैये करते हैं प्रोटेस्ट, उससे कोई काम नहीं होने, कुछ नहीं खत्म होने वाला, और सब चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। अभी देखिए गोरक्षक बंद हो गए, लव जिहाद बंद हो गया, ये सब चाबी भरी जाती है, और चाबी जैसी भरे आप चाबी निकाल लो, चाबी जैसी भरे चाबी निकाल लो। हमारे धंधे में हम आपको साफ बताते हैं, हमारे धंधे में अगर जितने मुसलमान है अपना हाथ खींच ले ना, तो हम सब रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे धंधे की सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग मुस्लिम्स के हाथ में, तो हमारा तो काम ही नहीं चल सकता। और मैंने ये अपने जो बिजनेस के एसोसिएशन में बात उठाई थी आज से 3 साल पहले, मैंने कहा आप लोग कैसे ऐसी बातें कर रहे हैं, रियाज भाई अगर माल नहीं काटेंगे तो मैं माल क्या खरीदूंगा, मैं आगे बेचूंगा, दोनों एक साथ चलेंगे। पुरानी इतिहास में क्या हुआ भूल जाओ, अपने को भविष्य देखना है, जैसे अमेरिका भविष्य देखता है। हम लोग क्या करते हैं, बाबर ने क्या किया, रानी की झांसी ने क्या किया, उधर मस्जिद बनाया था, इधर मंदिर बनाया था, वो बनाया था, बन गए, बात खत्म। अब क्या बनाया, एक तो पुस्तकालय नहीं बना पाए, एक भी इंटरनेशनल क्लास पुस्तकालय हिंदुस्तान में नहीं है, सच तो ये है। और एक दूसरे की भावनाओं को आहत मत पहुंचाओ, ठीक है ना, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, और जो हिंदुस्तान का कानून बोलता है उसके अंतर्गत रहो। अगर कानून नहीं बोलता है, आपको फ्रीडम है, आप डेमोक्रेसी में हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, बंगूरा भाई तुम भी झूठे निकले, भाई मैं झूठा निकला नहीं निकला वो आगे वाले करेंगे डिसाइड, यार तू कहां से जजमेंट बन गया यहाँ पे, तू कहां से जज बन गया, तेरा नाम तो ठीक कर, नवंबर की जगह दिसंबर में आना, चल निकल।
यहाँ से। तो बाकी आप लोगों की इच्छा भाई, हम तो आपको समझाते रहेंगे और आप लोगों को पता है कि दुर्गति से दुर्गति होती जा रही है और ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग अपना कीचड़ साफ नहीं कर रहे। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गल्फ में बैठ के जितने लौंडे 20-25-30 साल के जो बकेती करते रहते हैं, 80% लोग जो गल्फ में बैठे हैं, इनको बोलिए अपनी बकेती बंद करिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो रह रहा है मुसलमान उसको तकलीफ हो रही है इनकी बकेती से, ये 101% है। और एक बात और समझ लीजिए, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आ रही कि अमरीका में बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान सब तरक्की कर रहे हैं, ये सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान क्यों सफर कर रहे हैं, मुझे ये आज तक समझ नहीं आ रही। और ये मैं जहां तक मुझे समझ में आती है वो एक ही बात है कि आप लोग चेंज से डरते हैं, बदलाव से डरते हैं और अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको कल का एक बताता हूँ, कल हम लोग कहीं बैठे हुए थे तो ये आपने देखा होगा कई बार एक अपनी वॉल के अंदर आपने भी देखा होगा कुछ इसके अंदर वो आ जाती हैं महिलाएं जो कम अपने कपड़े पहनती हैं और वो करती हैं। एक मैंने पोस्ट भी किया मेरे ट्विटर हैंडल पे है, उस आदमी ने उसको डाला वॉच पार्टी में, मुसलमान ने, और बोलता है इस्लाम से जुड़ी है, इसका वीडियो देखिए। वो नंगी औरत अपना वीडियो दिखा रही है और इस्लाम से जुड़ी है। जब मैंने जाके देखा 80% मुसलमान उसको देख रहे थे, 80%। और मेरे ट्विटर पे जाके हैंडल पे देख लेना, मैंने पोस्ट भी किया उस चीज को। तो अपने आप से क्यों झूठ बोलते हैं? Why you saying lies to yourself? बोल रहे हैं तो बोलते रहिए, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम तो आपको समझा ही सकते हैं यहाँ का मुसलमान क्यों तरक्की कर रहा है, हमारे को समझ में आ रही है ना सारी बातें, और आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे ये भी हमें समझ में आ रही है। मेरा काम था भाई के हिसाब से आपको समझाना और मैं समझाता रहूंगा, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले बोल चुका हूँ, जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो मेरे भाई हैं, चाहे वो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, मुझे इससे कुछ भी बात नहीं करी। मंगाराम जैट बोलते हैं अमेरिका की बात मत कर भाई, एक बात मंगाराम भाई एक बात बताओ, अगर आपके बेटे या बेटी को अमेरिका के बारे में आपकी उसकी टीचर बताएगी तो आप क्या बोलेंगे कि टीचर टीचर मेरी बेटी को अमेरिका की बात मत बताना? भाई आप लोग दिमाग से पैदल हो और आप लोगों की दिमाग से पैदल होने की वजह से ये सियासत चल रही है जो आपको लूट रही है, रोजाना गड्ढे में गिर रहे हो आप लोग, बम्बई के वीडियो देख लो, बुरा हाल कर दिया देश का, मगर वो ये आप लोग घूम फिर के सर्कल वहीं पे आके अटक जाएगी गाड़ी। तो हमारा काम है आपको समझाने का भाई, आप लोगों का काम है जो रखना करो, ठीक है, और जैसे करना है। फजलूल कर्म का, व्हाई डोंट यू कम टू इंडिया, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाई डोंट यू हैव गट्स? फजलूल भाई मेरा काम जो इंडिया में ना, आप जितने भी लोग यहाँ पे हो आज की तारीख में, आप सब लोगों से बड़े काम में कर चुका हूँ और मेरे काम होते हैं, सो डोंट ट्राई टू टीच मी, ओके, ट्राई टू लर्न, बी अ गुड लिसनर, यू हैवंट बीन गुड लिसनर्स, दैट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो और इसमें बोलते हैं तनवीरा में योर लेक्चर विल गो इन वेन, गुड लक टू यू देन, गुड लक टू योर फैमिली, गुड लक टू योर फ्यूचर। लेक्चर ना कॉलेज का सुना और ना ये लेक्चर सुनेंगे, तो कॉलेज का लेक्चर नहीं सुना इसलिए वहां पे गल्फ में बैठ के 1500-2000 रियाल की नौकरियां कर रहे हैं, ये लेक्चर नहीं सुनेंगे तो आगे भी दुर्गति होगी, करते रहो, किसने मना करा है, किसने मना करा है भाई, करते रहो, आपको जो करना है आप अपने सोच के मालिक हो, ठीक है, आप अपनी सोच के मालिक हो, आपको जो करना है करो, वक्त सबसे बड़ा बलवान है, वो आपको सब सिखा देगा, ठीक है। अब्दुल हमीद वो आपके पापा के पास है, वो आपके अब्बू के पास है, जाओ अपने अब्बू से पूछो, गो एंड आस्क, डोंट बी स्टूपिड, डोंट ट्राई टू एक्ट फूल्स, इफ यू आर फूल्स एटलीस्ट, अगर आप लोग बेवकूफ हो तो ऐसा दिखाओ तो मत यार कि बेवकूफ हो, ये बोल के क्यों दिखाते हो? क्या आप लोगों की इच्छा भाई, हमने बता दिया, बाकी 2022 का भी हमने बता दिया है, अल्लाह नेक काम करे, कुछ बचा ले आप लोगों की बेवकूफियों से आप लोगों को, बाकी इट्स योर लाइफ, इट्स योर प्रॉब्लम, नो मैटर इज चाचा नेहरू और प्राइम मिनिस्टर, नो मैटर इज इंदिरा गांधी, नो मैटर इज अटल बिहारी वाजपेयी, नो मैटर इज मोदी जी, इफ दिस इज द एटीट्यूड यू पीपल आर गोना हैव, नथिंग इज गोना चेंज, इवन इफ यू मेक असदुद्दीन ओवैसी एज योर प्राइम मिनिस्टर, नथिंग विल चेंज फॉर यू, इट्स अ गारंटी। देवेंद्र सिंह बोलते हैं अमरीका में सबसे ज्यादा भिखारी रहते हैं, हाँ रहते हैं देवेंद्र जी, रहते हैं, आपको तकलीफ हो रही है, रहते हैं, पीछे कैमरा घुमा दिया ना तो आप घूम के बिस्तर से गिर जाएंगे, ठीक है, अपने काम में ध्यान दीजिए, सियासत में दिमाग मत लगाइए, सियासत आपकी अभी आपके लेवल की नहीं चल रही है, बहुत। अब ये देखिए मुर्तजा अली बोलते हैं इनसे डिबेट करो हिम्मत हो, मैं
सबके मुंह नहीं लगता, आप लोग लगते हो सबके मुंह, मैं नहीं लगता, मेरा लेवल बहुत ऊपर है मुर्तज़ा भाई, मैं नहीं मुंह लगता। क्या बोलूं यार, जिनसे आप डिबेट करने को बोलते हो ना मुझे, एक मिनट लगता है, एक मिनट किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए भाई, नदीम आवाम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर ग्रेट सर, वी आर ऑल ग्रेट एज ह्यूमन बींग्स। इसके अंदर नदीम आवाम भाई, आप पाकिस्तान के हैं, मेरे बहुत पाकिस्तानी दोस्त हैं, अभी बकरी जा रही है तो उसकी तो बड़ी प्रिपरेशन भी शुरू हो चुकी है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, और मैं ह्यूमन बींग ही रहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बिकम अ मुस्लिम और हिंदू, यू पीपल वांट टू बिकम मुस्लिम, बिकम अ मुस्लिम, यू वांट टू बिकम अ हिंदू, बिकम अ हिंदू। मुर्तजा अली, हाँ भाई मेरी दुकान बंद कर दे भाई, तेरी दुकान को, मेरी दुकान पे आला तेरा बंद कर देता हूँ, ठीक है भाई, बात करता हूँ। तुम लोगों को जिनको टाइम पास करना है ना, तुम्हारी जिंदगी टाइम पास हो चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया। Save Elephants, FFAI India campaign. India is losing its elephants at the rate of 3 elephants weekly, or 180 to 200 elephants yearly in the wild. The population of our elephants has fallen down from 31,000 odd to 27,500 only today in the wild. We're losing our elephants to electrocution day in and day out. We're losing them to poaching, to train accidents. The situation is abysmal. India cannot afford to lose its elephants at the rate at which it's losing them. Electrocution, train accidents, poaching is killing him. We wrote to the ministry to take steps about it, but as usual, they paid a deaf ear to all our requests and did nothing. To add insult to the wounds, now they're proposing, can you believe it? They're proposing contraceptives for the elephants. Yes, that's the latest. Contraceptive for the elephants. Elephants whose population is falling from 31,000 odd to 27,500 odd only in the last 5 years. India is losing its elephants at the rate of 3 elephants weekly, 180 to 200 elephants yearly. FFAR India, as always, has been working tirelessly for our animals and the environment for last 4 years. This is just some of the work we've been doing. We've decided to petition the Honorable Supreme Court to save our elephants. And our petition comes up on 2nd of August 2019. Help save our elephants in the wild. We're not a big NGO like some of the Big Five. We were 100% charity and we rely on all our funds through you to help donate. This is how you can donate for the Save Elephants campaign. You can donate through Paytm, through online net banking, through PayPal, through check drop, through online transfer.
donate today. Donate generously. Save the elephants. Save elephants. FFAR India campaign. Thank you.